चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं नेम प्लेट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है सरकार ने कि धार्मिक भावना रक्षा के आदेश है, कांवड़ियों की भावना आहत हो सकती थी और छोटे से भ्रम को से शांति भंग हो सकती है। ये सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है, मुजफ्फरनगर में पहली भी घटनाएं हुई हैं और इसका जिक्र किया गया है जवाब में। भोजन पर गलतफहमी से भी तनाव बढ़ा है और गलतफहमी से बचने के लिए ही ये आदेश दिया है। पहचान दर्शाना एक अच्छा उपाय है और इसीलिए यह आदेश जारी किया गया था क्योंकि कांवड़ियों की भावनाएं पहले भी कई बार आहत हो चुकी हैं, गलतफहमी ना हो और इसी वजह से ये आदेश जारी किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। धार्मिक भावना रक्षा के लिए आदेश, शांति बनाए रखने के लिए आदेश था। पहचान दर्शाना एक अच्छा उपाय है और इसी वजह से ये आदेश जारी किया गया था। तो नेम प्लेट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को अपना जवाब दाखिल करना था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको बता रहे हैं। जवाब में क्यों ये आदेश जारी किया गया इसको लेकर सरकार ने कहा है, राज्य सरकार ने कि शांति भंग ना हो, छोटे से भ्रम से शांति भंग हो जाती है और इसी वजह से ये आदेश जारी किया गया। मुजफ्फरनगर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे जिसकी वजह से ये आदेश जारी किया गया। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है चूंकि मुजफ्फरनगर, इसलिए ये आदेश जारी किया। मुजफ्फरनगर में पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, खाने को लेकर कई बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है जिससे तनाव बढ़ जाता है और शांति कहीं से भी भंग ना हो, इससे आदेश जारी किया गया। गलतफहमी से बचने के लिए भी आदेश जारी किया गया और पहचान दर्शाना ही एक अच्छा उपाय लग रहा था जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया है। आपको बताया नेम प्लेट विवाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था और रोक लगा दी थी कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई वेज या नॉन वेज खाना परोसता है उसकी जो डिटेल है वो जरूर मेंशन करना जरूरी होगा, लेकिन नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं था। हालांकि जब आदेश जारी किया गया था तो कई दुकानों पर, ढाबों पर देखा गया था लोग नाम लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया उसके बाद लोगों ने नेम प्लेट हटा दी थी। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता अंकित मित्तल जुड़ चुके हैं और तुषार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, आखिरकार राज्य सरकार ने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया है, कोर्ट अब क्या कहता है इस पर सबकी निगाह रहेगी। तुषार से हमारे साथ मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं। मयूर, राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, अब देखना होगा कि कोर्ट अपना इस पर क्या रुख रखता है। देखिए, यूपी सरकार की जो मंशा रही, उन्होंने अपने आज सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमने जो आदेश जारी किया था वो किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष के लिए जारी नहीं किया था, वो उन दुकानदारों के लिए जारी हुआ था जो कि अपना नाम दुकान पर नहीं लिखते हैं या फिर अपनी पहचान छुपाने का काम करते हैं। वजह सिर्फ यही है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं तो भूल से भी, गलती से भी उनकी जो यात्रा है वो खंडित ना हो जाए, अनजाने में वो कोई ऐसी चीज़ ना खा लें जिसकी वजह से जो उनकी यात्रा है वो खंडित हो जाए। तो अभी हाल ही में हमने देखा तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर लहसुन प्याज का छौंका लगा दिया गया जिस होटल में, तो वहां पर बवाल होने लगा और वाद विवाद बढ़ा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जो कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको ध्यान में रख के ये आदेश दिया गया था, ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दिया गया था। और ये निर्देश सभी धर्मों के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो दुकान लगा रहा है तो अपना नाम उसमें इंगित करे, सिर्फ ये उनका जो है वो उनकी मंशा थी। लेकिन विपक्ष ने या फिर तमाम ऐसे लोगों ने जिन्होंने इसको धार्मिक एंगल देने का काम किया, ये यूपी सरकार की मंशा नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट में तीनों राज्यों को, उत्तराखंड, एमपी और यूपी को अपनी जो जवाब है वो दाखिल करना था, तो यूपी सरकार की तरफ से ये दलील सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर क्या फैसला सुनाता है। हालांकि इसके पहले इन तीनों राज्यों के जो फैसला था नेम प्लेट लगाने का, इसको खारिज कर दिया था। बिल्कुल, अब देखा होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख देता है। ठीक है, बने रहे मयूर हमारे साथ। अंकित का जरा रुख करते हैं। अंकित, वहां अभी कैसी हलचल देख रहे हैं? पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद अब जवाब भी राज्य सरकार ने दाखिल कर दिया है, अभी कैसा माहौल देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम रोक आज की तारीख तक के लिए लगा दी थी और आज सुनवाई होनी है, आज 26 तारीख है और राज्य सरकार ने अपना जो इसमें जवाब दाखिल किया है उसमें सब तरीके के
बातें लिखी है कि हमने कोई हिंदू मुस्लिम बांट के कोई आदेश नहीं दिया था, और कहीं ना कहीं कावड़ यात्रियों को लेकर ही उनका कहना था कि कहीं ना कहीं विभाजन की तरफ सुना जाए कि किसी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो कि अनजाने में कुछ खाना ले, इस वजह से हमने आदेश दिया था। वहीं कहीं मुजफ्फरनगर के कुछ और लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के पक्ष में अपनी याचिका दाखिल की है। आज जब सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो भी फैसला आएगा उस पर सभी दुकानदारों की निगाहें टिकी है कि क्या फैसला आता है, क्या फिर एक बार फिर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी या फिर हमेशा के लिए इस तरह की नेम प्लेट का कार्य हट जाएगा। जी बिल्कुल अंकित, बने रहिए हमारे साथ, मयूर भी हमारे साथ बने हुए। मयूर, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और मुहिम भी तो शुरू हो चुकी है हिंदुओं की तरफ से, जो हिंदू तमाम जो धर्माचार्य हैं वो मुहिम चला रहे हैं, तो अभी देखना होगा कि इस पर भी और क्या ये मामला भी उठता है कोर्ट में। ना बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी फैसला दिया था उसका पालन बाद में किया गया, जो नेम प्लेट जिन लोगों ने दुकानों पर लगाई थी वो हटाने का काम किया, लेकिन जो हिंदू धर्मगुरु हैं लखनऊ में भी हमें देखने को मिला कि हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि स्वतः अपनी दुकान पर भगवा झंडा लगा सकते हैं और तमाम सारे देवी देवताओं की जो मूर्ति हैं या फिर फोटोज हैं वो लगा सकते हैं, जिससे कम से कम ये इस्टेब्लिश हो सके कि ये किसी हिंदू की दुकान है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की दुकान पर ही जो है नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज की बात होती है, अगर कहीं भी किसी भी दुकान पर अगर लहसुन प्याज बनाया जा रहा है तो ये कम से कम कांवड़ यात्रियों को पता होना चाहिए, अगर वो गलती से भी उन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, उनकी पूरी यात्रा खंडित हो सकती है, तो उनकी यात्रा पवित्र बनी रहे इसको लेकर ये निर्देश दिया गया था। लेकिन इसको अलग ही एंगल पर लेकर जाया गया, ये यूपी सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया। लेकिन अब देखना होगा कि जो हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से जो अपील की गई है इसका असर उन दुकानदारों पर कितना दिखेगा जो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, जो अपने झंडे लगाना चाहते हैं, अपनी भगवान की फोटोज अपनी दुकान पर लगाना चाहते हैं, और अगर क्या वो जबरदस्ती कराया जाएगा तब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला करेगा। हालांकि ये तो जो हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से कहा गया ये कोई जबरदस्ती प्रेशर डाल के कोई आदेश जारी नहीं किया गया, ये सिर्फ उनसे एक आग्रह किया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मयूर और बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट अब आज अपना क्या इस पर रुख रखता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।